हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों का मनपसंद लोटो चोको पाई। हाँ जी, आप इस तरीके से बनाएंगे ना लोटो चोको पाई, खाने में ना एकदम बाजार जैसा लगेगा। चलिए लोटो चोको पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिया है बिस्किट, हमने मैरी गोल्ड बिस्किट लिया है एक पैकेट, मिल्क पाउडर और डार्क चॉकलेट और दूध। इसमें ना हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे, इसका ना घोल तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम घोल लेंगे। देखिए, वो सूखा पाउडर का घोल हमने तैयार कर लिया है। हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हम डार्क चॉकलेट लेंगे, तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे इस तरीके से। एक कटोरी में हम डालते जाएंगे, जितना हो सके उतना छोटा हम तोड़ लेंगे। आप डार्क चॉकलेट के बदले कोकोआ पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से तोड़ लेना है। गैस पे हमने पानी रख दिया था, पानी गर्म हो गया। अब इसमें ना जो चॉकलेट है ना वो ऐड कर देंगे, इसे ना हम पिघलाएंगे। अगर आप सोच रहे कि सीधे हम चॉकलेट भी रख सकते हैं, लेकिन आप सीधे जब चॉकलेट रखेंगे फिर वो चॉकलेट जल जाएगा, इसलिए पानी उबाल के उसमें हमें रख देना है। इसे ना मेल्ट होने देते हैं। देखिए, चॉकलेट ना मेल्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म पानी है, अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरीके से। इसमें लम्स नहीं रहने देंगे। अब एक चम्मच हम पिसा हुआ चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि डार्क चॉकलेट वो मीठा नहीं होता है, इसलिए बच्चों को नहीं पसंद आएगा, इसलिए हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे कि मीठा हो जाए। डार्क चॉकलेट का पेस्ट बनके तैयार हो गया है, हमें इसी तरह रखना है। हम मेरी गोल्ड बिस्किट लेंगे, इसके ऊपर जो हमने दूध वाला बैटर तैयार किया था ना, वो के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से बीच में। फिर उसके ऊपर से हम एक और बिस्किट रखेंगे, खुद ही यह बराबर हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, अब ऊपर से फिर से हम मटेरियल रखेंगे। हम तीन लेयर वाली चोको पाई बना रहे हैं। आप इस तरीके से चोको पाई बना सकते हैं घर पे, बच्चे भी अपने बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा घुमा देंगे, ये देखिए, अब एक प्लेट में हम रख देंगे। मैंने उसमें सिर्फ मिल्क पाउडर ही सिर्फ ऐड किया था, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए, जो हमने मिल्क का घोल बनाया था ना वो ऐड करके फिर ऊपर से हम बिस्किट रख के इसे ऐसे रोल कर देंगे। डार्क चॉकलेट का घोल ये भी आप ऊपर से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, या सिर्फ मिल्क पाउडर वाला भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रख के ऊपर से हम एक और बिस्किट रख देंगे और उसे ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। पहले हम मिल्क वाला रखेंगे बैटर, हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे कि अच्छे से ना ये सेट हो जाए, उसके बाद हम लोटो चोको पाई बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, 10 मिनट हमने फ्रीज में रख दिया था, ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब है ना, जो हमने डार्क चॉकलेट का घोल बनाया था ना उसमें हम ड्रिप करेंगे इसे। ये देखिए, इस तरीके से हम ड्रिप करेंगे। अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। हमने सिलिकॉन लगा दिया है, अगर आपके पास बटर पेपर होता है बटर पेपर रख लीजिएगा कि इसमें है ना चिपकेगा नहीं। अब हम थाली में रखते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बिस्किट कोट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कोट कर लेंगे अच्छे से। ये लोटो चोको पाई बनाना भी बहुत आसान है और बच्चे भी अपने खुश हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना इस तरीके से कर देंगे कि निकल जाए, में हम ऐसे रख देंगे। इसी तरह हम सारे बिस्किट को कोट कर लेंगे।
देखिए सारे लोटो चोकोपाई बन के तैयार हो गया है। अब आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे कि अच्छे से ना ये चॉकलेट जम जाए। ये देखिए कितना बढ़िया ये जम गया ना, बहुत ही अच्छे से जम गया है। फ्रिज में ना थोड़ा टाइम लगता है जमने में, लेकिन फ्रीजर में रख देंगे फिर वो 15 मिनट में अच्छे से जम जाएगा। देखिए इस तरीके से करके हम चोकोपाई निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये चोकोपाई बनके तैयार हो गया ना, किसी प्लेट में हम रख लेते हैं। आप चाहो तो इसे 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तभी बहुत और भी ज्यादा ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब ये सॉफ्ट रहेगा फिर ही और अच्छा लगेगा खाने में। देखिए इस तरीके से हम निकाल, मिनट के लिए फिर से हम फ्रीजर में रखेंगे कि अच्छे से जम जाए। थोड़ा सा ये मैट हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया ये लोटो चोकोपाई बन के तैयार हो गया ना। 5 मिनट हमने फ्रीजर में रख दिया कि ये अच्छे से और ये जम जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से जम गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से जम गया है। कटिंग करके दिखाती हूँ, ये देखिए काफी ये सॉफ्ट बना है। देखिए यार मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट बना है। अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बना है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।